सभी भक्तों को नमस्कार। हमारे YouTube पर आपका स्वागत है। भक्तों चलिए जानते हैं क्या होगा आपकी लाइफ में, कैसा हो आपका दिन, क्या होगा आपका राशिफल, मेष आने वाले कल का राशिफल। निजी या पुराने प्रेमियों के साथ यादें संजोए रखने से वे वापस नहीं आएंगी, वहां से बाहर निकलें और नए बनाएं। यात्रा करना है आज, अपना समय अपनी यात्रा पर निकालें, जल्दबाजी से आपको कोई फायदा नहीं होगा। भाग्य, प्रत्येक दिन बेहतर भाग्य का मौका है। पेशा, किसी ऐसे सहकर्मी से सावधान रहें जो आपके पैर की उंगलियों पर कदम रखने की कोशिश। वृषभ, आने वाले कल का राशिफल। निजी, आप पहेली का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन सुनिश्चित करें कि इससे आपका निर्णय प्रभावित न हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके ठीक सामने कोई हो जिसे आप मिस कर रहे हो। यात्रा करना है, काम के सिलसिले में यात्रा करना थका देने वाला हो सकता है, जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो डाउन टाइम लें। भाग्य, एक दृष्टि रखें और आपको आश्चर्य होगा। मिथुन, आने वाले कल का राशिफल। निजी, तारीफ और स्नेह के छोटे छोटे संकेत आपके रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। एकल राशियों को उस सिंह राशि की खूब तारीफ करनी चाहिए जिसके साथ वे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा करना है, कार से यात्रा करना बहुत मजेदार हो सकता है, लेकिन इससे आपको काफी परेशानी भी हो सकती है। हर चीज और किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। भाग, अधिक विस्तृत। कर्क, आने वाले कल का राशिफल। निजी, यह बहुत संभव है कि आपके मन में अन्य बातें हों, और यदि आप अकेले हैं तो आपका ध्यान अपने रिश्ते पर नहीं है, या यदि आप अकेले हैं तो डेटिंग पर नहीं है। इससे लिए गए संकेतों के लिए कुछ परेशानी हो सकती है। यात्रा करना है, मेनू जितना छोटा होगा रेस्तरां उतना ही अच्छा होगा, इसीलिए स्ट्रीट फूड इतना स्वादिष्ट होता है। सिंह, आने वाले कल का राशिफल। निजी, शुक्र आज एकल सिंह राशि को सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। लिए गए संकेतों को अपने सहयोगियों के प्रति अधिक चौकस और देखभाल करने वाला होना चाहिए, उनका हाथ अधिक बार पकड़े। यात्रा करना है, काउच सर्किंग कम बजट में दुनिया की यात्रा करने का एक शानदार तरीका है, इसे जांचें और देखें कि क्या यह कुछ। कन्या, आने वाले कल का राशिफल। निजी, बचपन के मनोवैज्ञानिक मुद्दों को एक नए रोमांटिक साथी पर पेश किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आप पुराने की छाप छोड़ते हैं, न कि नए ने आपको बेहतर बनाया है। यात्रा करना है, यदि यात्रा आपके स्वास्थ्य और खुशहाली से जुड़ी हो तो यात्रा अनुकूल है। भाग्य, शुक्र के अनुकूल होने का मतलब है नए स्वास्थ्य या वजन घटाने वाले आहार। तुला, आने वाले कल का राशिफल। निजी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं तो आज वह दिन हो सकता है जब आप इसे आधिकारिक बनाना चाहेंगे। यात्रा करना है, आपके घूमने के लिए आदर्श स्थान भारत होगा, यह बहुत अद्भुत है और आप निश्चित रूप से वहां किसी अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे। भाग्य, अंक 9, 56, 39 और 2 आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर। वृश्चिक, आने वाले कल का राशिफल। निजी, आप स्वयं का खंडन कर रहे हैं और मिश्रित संदेश दे रहे हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं और अपनी बात अच्छी तरह से रखें, बजाय इसके कि एक विषय से दूसरे विषय पर घूमकर दूसरों को भ्रमित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। यात्रा करना, मानवीय उद्देश्य के साथ, दोस्तों के साथ। धनु, आने वाले कल का राशिफल। निजी, जिस दिन आपकी कुंडली के परिप्रेक्ष्य में आपका निजी जीवन मजबूत दिखता है, नए रिश्ते या लंबे समय तक चलने वाले संबंधों के मजबूत होने की बहुत संभावना है। धनु राशि के जातकों के लिए आज आपके निजी जीवन में स्पष्ट सुधार होने की संभावना है, इस क्षेत्र में अच्छे दिन के सभी संकेत हैं। यात्रा करना है, आपकी व्यावसायिक यात्राओं से मकर, आने वाले कल का राशिफल। निजी, आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें हर कोई बुद्धिमान और आकर्षक मानता है, दुख की बात है कि शुक्र आज आपके पक्ष में नहीं है, एकल राशियों को फ्लर्ट करने का मन नहीं होगा। यात्रा करना है, यदि कोई ऐसी मंजिल है जिसके बारे में आप सपना देख रहे हैं तो उस सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है।
अपने बजट की योजना बनाकर कुंभ आने वाले कल का राशिफल। निजी आज अपना दिल टूटने के लिए तैयार रहें। चीजें अब ठीक नहीं चल रही हैं और अब समय आ गया है कि आप दोनों इसे खत्म कर दें। शादीशुदा जोड़े एक दूसरे की मौजूदगी में चमकेंगे। यात्रा करना है आज आपके मन में कोई दूर की मंजिल है। कुछ शैक्षिक वीडियो देखें और वहां गए मित्रों से उनके अनुभव के बारे में पूछें। भाग्य सामाजिक स्थिति। मीन आने वाले कल का राशिफल। निजी शुक्र के धनु राशि में होने से आपके मन में हर तरह के रोमांटिक और रोमांचक विचार आएंगे। कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें पता चले कि आप कितने भावुक हैं। यात्रा करना है यदि आप आज यात्रा कर रहे हैं या यदि आप आज अपने यात्रा गंतव्य पर पहुँचे हैं, तो याद रखें कि करने के लिए सबसे अच्छी चीजें जरूरी नहीं कि पारंपरिक पर्यटक चीजें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।